हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नई अपडेट। जी हाँ दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि कुछ ही समय पहले हम आपको जो है लाइव वीडियो बनाएंगे, जो कि मुंबई लाइव सेंटर से है। जी हाँ दोस्तों, DRDO का एग्ज़ाम हो रहा है मुंबई के बोरीवली सेंटर से। हमने जो है लाइव जो है अपडेट ली है, वहाँ के बच्चों से बात की है और आज आपके लिए लेकर आए सीधा एक्सपीरियंस वीडियो कि कैसा रहा आज का पेपर और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से आपको जो है हार्ड क्वेश्चन मिल रहे हैं और कौन से सेक्शन से आपको ईजी क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो सब कुछ हम बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को अंदर ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट डे पे है, उनके लिए तो बहुत ही खास तौर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों, जब भी कोई नई अपडेट आती है सरकारी नौकरी की, तो उसकी नोटिफिकेशन से लेकर उसके फाइनल रिजल्ट तक, जी हाँ दोस्तों, पूरी की पूरी अपडेट जो है हम आपको स्मार्ट नौकरी चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, ये है हमारे बोरीवली उपनगर, जी हाँ दोस्तों, मुंबई उपनगर के बोरीवली शहर से, जहाँ पे आपका जो है DRDO का सेंटर गया था एग्ज़ाम का। और वहाँ पे जो है 5 बजे जैसे स्टूडेंट्स बाहर आने लगे, हमने वहाँ से स्टूडेंट से बात की और काफ़ी स्टूडेंट से बात करने के बाद ये पता चला कि पेपर जो है लगभग औसत रहा दोस्तों, ज़्यादा हार्ड नहीं था। लेकिन और हार्ड किस सेक्शन में था वो भी हम बताते हैं आपको, लेकिन सबसे पहले बताते हैं पेपर के ट्रेड के बारे में। तो हमारी जिससे बात हुई वो है अजिंक्या। जी हाँ दोस्तों, अजिंक्या नाम के एक स्टूडेंट ने हमसे बात की, उन्होंने हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि सर हमें जो है पूछा गया था, मैकेनिक में थे उन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स किया हुआ था उनका ट्रेड, और उनसे पूछा गया था वॉशिंग मशीन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वॉशिंग मशीन के बारे में पूछा गया था प्रश्न, जो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे वॉशिंग मशीन के बारे में। तो उन्होंने कहा सर मैंने एग्जाम के बारे में पूरी तैयारी किया था, बट कभी प्रैक्टिकली, जी हाँ दोस्तों, कभी प्रैक्टिकली घर में वॉशिंग मशीन होने के बावजूद कभी प्रैक्टिकली जो है वॉशिंग मशीन को देखा नहीं, कभी ध्यान से उसको चलाया नहीं, क्योंकि कभी कभी मोस्टली क्या होता है हम कपड़े धोते नहीं, हमारे घर में पेरेंट्स होते हैं, हमारे सिस्टर्स होती हैं, वो काम करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि सर मैंने जो है वॉशिंग मशीन घर में होते हुए भी कभी उसे इतने ध्यान से उस बारे की नज़र से चेक नहीं किया कैसे वो चलता है, कौन से इंडक्शन मोटर लगे हुए हैं, किस प्रकार से उसका जो है वेव्स होता है, बटन्स कहाँ होते हैं, कैसे ऑन ऑफ करते हैं। जबकि क्वेश्चन पूछा गया था उनसे पूरा का पूरा वॉशिंग मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम से। जी हाँ दोस्तों, वॉशिंग मशीन कैसे चालू करते हैं, वॉशिंग मशीन में किस प्रकार से जो है अपकेंद्रीय बल लगता है, किस प्रकार के वो घूर्णन गति से चलता है, इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे आज के पेपर में। तो दोस्तों, ओवरऑल मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो ट्रेड टेस्ट में आपका जो भी है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर आपका इलेक्ट्रीशियन है तो आपको सर्किट बोर्ड के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। आप देख लीजिए, घर पे जा के प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिकली क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, हमसे एक इलेक्ट्रीशियन से बात हुई, उन्होंने बताया कि सर मुझे नॉट गेट एयर गेट के बारे में नहीं ज़्यादा नॉलेज था, जो कि उसी के प्रकार के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो आपको प्रैक्टिकली यूज़ होते हैं सामान, उन चीज़ों को आपको ज़्यादा पढ़ना होगा दोस्तों, फोकस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड में आपसे यही पूछा जा रहा है। अब वॉशिंग मशीन के बारे में अगर देखिए, 10 क्वेश्चन उनको जो है अजिंक्या सर का छूट गया, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कहा कि उन्होंने सर कभी मैंने याद ही नहीं किया कि मुझे वॉशिंग मशीन को भी देखना चाहिए कैसे चलता है, किस प्रकार काम करता है, जो किताब में दिया हुआ था सब वही कुछ पढ़ता गया। तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों आप लोग, क्योंकि आपका अगर पेपर कल या परसों है तो आप अभी से ही जितने भी चीज़ें आपका जो जो ट्रेड है उससे रिलेटेड चीज़ें जो प्रैक्टिकली आपके घर में है उन चीज़ों पर आप फोकस कर लीजिए, क्योंकि वो आपके रोज़मर्रा से पूछे जा रहे हैं सवाल हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जितना यूज़ करते हैं, जो आपके लाइफ में प्रतिदिन आप यूज़ करते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अब आपका इलेक्ट्रीशियन है तो आप इलेक्ट्रीशियन में देख लीजिए घर में कितने फेज़ हैं, न्यूट्रल है, पावर है, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। पंखा कौन से स्पीड में चलता है, क्या उसमें क्या क्या यूजेस होता है, किस प्रकार उसका जो है बाइंडिंग होता है वायरिंग का, ये सारी चीज़ का आपका नॉलेज होना चाहिए। ये आपका मैं इलेक्ट्रीशियंस वालों के लिए बता रहा हूँ। यानी कि आपकी टीवी है, देखिए घर में टीवी इस्तेमाल होती है, आपको इलेक्ट्रिक्स का उसमें कैसा होता है, तो जो इन्फो वाले हैं, इन्फो की तरह नॉलेज के लिए कंप्यूटर में क्या क्या प्लेट्स होते हैं, मदरबोर्ड से लेके उसके PCU सब कुछ के बारे में आप पढ़ लीजिए। कि हाँ दोस्तों, आपको जो है प्रैक्टिकली क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और पेपर दोस्तों ओवरऑल जो बताया गया अजिंक्या सर के अनुसार कि सर पेपर जो है ओवरऑल ठीक ठाक है, यानी पेपर ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, ट्रेड वालों के लिए तो बहुत ही फायदा है। अगर ट्रेड में जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की है, यानी कि अपने सब्जेक्ट का अगर आपके पास ज्ञान है, यानी कि आपके अगर सब्जेक्ट का ज्ञान आपके पास है 100 में से, तो आपको 70-80 आराम से मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 70 से 80 नंबर आपको आराम से प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको आपके सब्जेक्ट में ज्ञान है, तो यानी कि अच्छी तरह से आपने उसको एग्जामिन किया, अपने नॉलेज को पढ़ा है, 2 साल आपने दिया है ITI में, तो 2 साल में दोस्तों आपको कुछ तो याद ही होगा। अगर नहीं याद है तो दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर है, आपको स्कोरिंग करने का यही अच्छा चांस है। अब बात करते हैं हार्ड क्वेश्चन की, कि कठिन सवालों का परसेंटेज कितना रहा। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने अपने थंबनेल में लिखा है कितना था, तो दोस्तों 50 नंबर जो पूछे गए थे आपसे रीजनिंग के, जी हाँ दोस्तों 50 नंबर जो आपसे रीजनिंग, एबिलिटी, साइंस, जनरल साइंस, सोशल साइंस जो पूछा गया था आपसे, टोटल ओवरऑल जो कठिन सवाल है सिर्फ वहीं से आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो आपका ये सेक्शन है, यहाँ पे पार्ट 2 है, आपको पता है 5 जो 50 नंबर का ये है और 100 नंबर का आपका
ट्रेड है। तो ये दो जो दो पार्ट हैं आपका, इसमें से जो 50 नंबर वाला पार्ट है वही थोड़ा टफ आ रहा है दोस्तों, और उसमें से भी आपको करंट अफेयर्स अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के बारे में लोग इतना पढ़ते नहीं, ध्यान नहीं देते, पर आप दोस्तों ध्यान दीजिए क्योंकि इकोनॉमिक्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। स्पोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे दो नंबर के आज। तो ये जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो आपको पढ़ना जरूरी है, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, क्योंकि अभी इलेक्टेड जो आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में जो है इलेक्शन होने वाले हैं, अभी हाल ही में होने वाला है चुनाव अक्टूबर के बाद, तो आपको जो है इलेक्शंस के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, किस स्टेट में जो है 2014 के बाद जो अब इलेक्शंस होंगे, मतलब जो भी नॉलेज है आपका विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, सारे चीज़ों को एक नोट बनाइए, नोट बना के उसको पढ़िए दोस्तों, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत टफ हो जाते हैं जब आपको जो है दिया जाता है एग्जाम में। और बात रही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, आज जो अजिंक्य सर ने भी हमें बताया कि सर टाइमिंग का काफ़ी इश्यूज़ होता है। जी हाँ दोस्तों, समय कब बीत जाता है किसी को पता ही नहीं चलता, यानी 150 क्वेश्चन करना 120 मिनट में बहुत ही जल्दी जो है समय बीत जा रहा है, क्योंकि आपका ट्रेड है, आपका ट्रेड जब सब्जेक्ट आता है तो आप काफ़ी खुश हो रहे हैं कि हाँ मुझे सब कुछ क्वेश्चन आता है, बट स्पीड को आप एक्यूरेट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, स्पीड को आप बनाए रखिए कि आपको भले ही आता है, अगर लगता है थोड़ा टफ है, लेंदी हो रहा है, उसको छोड़ दीजिए, स्किप करने में भलाई है दोस्तों, क्योंकि समय जितना हो बचा सकते हैं उतना बेहतर है, क्योंकि आगे के क्वेश्चन कुछ कुछ इतने ईजी आते हैं कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये जिन क्वेश्चन के लिए मैंने एक नंबर के सभी क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन अगर 10 मिनट ले रहा है, कोई क्वेश्चन जो 10 मिनट में 10 नंबर दे रहा है आपको, तो वो बेहतर है दोस्तों। तो आप वो ध्यान दीजिए कि कितने भी क्वेश्चन है सबके पास पहुंच जाइए आप। तो दोस्तों यही रहा आज के इस वीडियो में हमने जाना, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले दोस्तों, हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स और भी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं अभी कंटिन्यूसली, तो हम दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में आपने को बताएंगे कि और क्या क्या जो है डीप में सवाल पूछे जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्यूरीज या कुछ बताना हो आपको, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।